शांति नगर यूसी 7 वार्ड थ्री में यहाँ पे जमीन इलेक्शन हो रहे हैं और दोनों दौरान ज्यादा आज जोश है जज्बे में और इंशाल्लाह आज ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होगी, पाकिस्तान के कप्तान की होगी, इमरान खान की होगी और इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ पे जश्न मनाएंगे और यहाँ लोग जीतेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान की आज जीत होगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह जीत गए और जीत के बाद ये पाकिस्तान में फिर साड़ी की पीटी में यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में दादली की जा रही है और हम इसकी सख्त मतलब को मजम्मत करते हैं। उसके बावजूद उनकी जो दादली के बावजूद भी इंशाल्लाह कप्तान के खिलाड़ी जीत गए और जश्न मनाएंगे। अच्छा ये बताइएगा अंदर से जो रिजल्ट आया पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, पीटीआई के और पीपी के तमाम पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, तो वो क्या रिजल्ट आया, कितने की लीड है? काफी तादाद में लीड है, तकरीबन हमारे 200 से हम जीत रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उसके बावजूद जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीटी की मौजूदगी में ही ये कंध फैलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के पुलिस खड़ी है, उसकी देख सकते हैं आप अपने कैमरे की नजरों में, उसकी मौजूदगी में ये दादली कर रहे हैं और उसके बाद रहे हैं। पोलिंग स्टेशन है जिसमें तहरीक इंसाफ की चुकी है, ये पुलिस की मोबाइल साथ मौजूद है मगर पुलिस की मोबाइल कुछ भी नहीं कर रही है और यहाँ पे जो है अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो बदमाशी करते हुए अंदर घुस चुके हैं और शरीर थामने की कोशिश अंदर कर रहे हैं और सब घुस गए। यहाँ पे पीटीआई ने 234 वोट से लीड ली है इस पोलिंग स्टेशन पे भी और पूरे वार्ड पे भी, तो पीटीआई जो है यहाँ से वार्ड काउंसिलर जीत चुकी है मगर उसके बावजूद भी मालिक ये करम कर दे, बस इतना भरम रख ले,